तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल वन को अपना स्कूटर रिवील किए हुए पूरे एक साल हो जाएंगे सितंबर में, मैं आई थिंक अगस्त में, बट यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे कि जनवरी में इन्होंने बताया था कि ये स्कूटर को जो उसकी टेस्ट राइडिंग वगैरह यानी कि आपके हाथ में जून तक स्कूटर आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट उसके बाद उन्होंने फाइनली एक डेट रिवील करी टेस्ट राइड की और एक मंथ रिवील करा अपने स्कूटर को लॉन्च करने का, यानी कि 20 जुलाई को जो वो इन सिटीज़ में अपने सिंपल वन ई स्कूटर की टेस्ट राइड को शुरू करने वाले हैं और वहीं पर सितंबर में स्कूटर जो है आपके हाथ में होगा। बट यहाँ पर मैं एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस डेट के बाद भी अगर कंपनी दोबारा डिले करती है या फिर डेट एक्सटेंड करती है तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? तो ये एक छोटा क्वेश्चन आपसे है कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, बिकॉज मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी, अभी भी कुछ बंदे हैं, कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी इस कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये फेक कंपनी है या फिर कुछ ऐसा है। तो एक छोटा क्वेश्चन आपसे कि इसके बाद आप क्या सोचते हैं? आई नो कि एक स्टार्टअप है, ये थोड़ा टाइम लगता है एक स्टार्टअप कंपनी को खड़ा होने में, बट एक क्वेश्चन आपसे कि अगर दोबारा डेट टेस्ट राइड की एक्सटेंड होती है या फिर आपको स्कूटर को देने में एक्सटेंड होती है तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या सोचेंगे, बट जो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। बट हाल फिलहाल तो इस वीडियो में सिंपल वन को लेकर बताने का कुछ नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें पहले ही इन्होंने क्लियर कर दी है कि 20 जुलाई से हम स्कूटर की टेस्ट राइड को शुरू करेंगे, सितंबर में आपको स्कूटर देंगे। तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बचता नहीं है यहाँ पर सिंपल वन के ऊपर डिस्कस करने का। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर है एक बार जो कमेंट जरूर कीजिए, बट हाल फिलहाल बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। All you need to do.